बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर क्लास 10, आज हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है ना, जो बकिया रह गई है वो देखनी है। ग्रामर वाला पार्ट है, तो ग्रामर वाले पार्ट में कलेक्टिव नाउन के बारे में उन्होंने दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि दिखने में वर्ड सिंगली होता है लेकिन उसके अंदर नंबर ज़्यादा होते हैं, खा वो पर्सन्स की सूरत में हो या कोई थिंग्स चीज़ों की सूरत में हो। ठीक है, वर्ड उन्होंने दिए हैं गैंग है, आमतौर पर डाकू चोरों का जो ग्रोह होता है उसे कहा जाता है, करोड़ लोगों के हजूम को। कमेटी अफराद पर मुश्तमिल होती है, क्लास आपको पता है जमात के स्टूडेंट्स। क्रू अमले को कहते हैं, ऑडियंस सामईन को कहा जाता है, और फैमिली ख़ानदान के अफराद को कहा जाता है। तो इन वर्ड से आपने इन ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना वो कंप्लीट करनी है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ आ टिपिकल फॉर अ चाइनीज डैश टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर। तो चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए एक उनकी मखसूस रस्म है, रिवाज है कि वो नए साल के शाम के खाने के लिए 8 से 9 मुख्तलिफ खाने बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड है, द डैश अपलॉडेड हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मौसीकी की महफिल को कहा जाता है। अपला क्लैपिंग करना, तालियां बजाना, सराहना, अप्रीशिएट करना। तो मौसीकी की महफिल के अख्ताम पर डैश ने बहुत सराहा, वाह वाह किया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्राउड यानी कि हजूम ने, सॉरी यहाँ पे हजूम नहीं, यहाँ पे ऑडियंस आ जाएगा। ऑडियंस सामाई, देखने वाले, सुनने वाले, तो यहाँ पर ऑडियंस आ जाएगा। नंबर 3 है, द डैश हैज जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। तो फिज़िक्स का लेसन लिया अभी अभी किसने, क्लास लिया, वेरी ऑब्वियस। तो क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। नंबर 4 है, द डैश ऑफ रॉबर वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस। पुलिस ने रॉबर के डैश यानी कि ग्रोह को, जत्थे को गिरफ्तार कर लिया। तो रॉबर्स, चोरों डाकुओं के ग्रोह को गैंग कहा जाता है, यहाँ पर गैंग आ जाएगा। नंबर 5 है, द डैश ऑफ पीपल गैदर एट द एक्सीडेंट साइट। हादसे की जगह पर लोग जमा हो गए, और वो कौन से लोग, ये आ जाएगा यहाँ पर क्राउड, लोगों का हजूम जमा हो गया। नंबर 6 है, द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट इट्स मंथली मीटिंग। महाना मीटिंग के बिल्कुल एंड पे डैश यानी कि कमेटी ने बहुत अहम फैसले किए, तो यहाँ पर कमेटी आ जाएगा। नंबर 7 है, द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर अमला, अमले के लिए वर्ड यूज़ होता है क्रू, क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर आ जाए। उसके बाद यूज़ ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में चाहिए के लिए हमारे मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि शुड भी होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, शुड और शुड नॉट। मुनासिब है यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, जबकि लाजमी और ज़रूर के लिए मस्ट और मस्ट नॉट यूज़ होता है, यानी कि ज़रूर होना, लाजमी तौर पर होना, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, सख्त जो है ना एक फ्रीजे की अदायगी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑल क्लिनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कहते हैं मना करना, सख्ती से मना करना। तो मदर, यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस, मैचेस यहाँ पर मार्चेस को कहा जाता है। ठीक है, मैच वो क्रिकेट वाले मैच या दूसरे मैच नहीं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। तो ये डिपेंड करता है एक सेंटेंस की सेंस पर, कहाँ पर अपने मस्ट लगाना और कहाँ पर मस्ट नॉट है। शी डैश ईट सो मच शुगर। चीनी ज़्यादा खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, यहाँ पर मस्ट नॉट है, शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। उसके बाद स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टडी एट द स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को एक दाखिले का इम्तिहान पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो यहाँ पर भी मस्ट आ जाएगा। यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन। तुम्हें इतना ज़्यादा टेलीविजन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर मस्ट नॉट आ जाएगा। और नंबर 4 है, ही टेक सम मेडिसन फॉर द दैट कफ। खांसी के लिए उसको ये मेडिसन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। और विजिटर्स डैश स्मोक। स्याहों को स्मोकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक आए।
उसके बाद आगे बच्चों प्रेजेंट डेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उससे आपने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। कुछ सेंटेंस नेगेटिव हैं और कुछ जो हैं वो अफर्मेटिव हैं, सादा जुमले हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की आपको पहचान पता है क्या होती है? ये उर्दू की पहचान की मैंने बात कर रहा, इंग्लिश में मतलब कहाँ कैसे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाना। तो वेरी सिंपल बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है ये आमतौर पर किसी के मामूल को ज़ाहर करता है, किसी की आदत को ज़ाहर करता है, ठीक है। ये कुदरत के जो मज़ाहर होते हैं, मज़ाहरे कुदरत मतलब सूरज का निकलना, गुरूब होना, बारिश होना, किसी ख़ास इलाके के रस्म व रिवाज उनका ज़िक्र हो रहा हो, ठीक है, किसी की आदत को ज़ाहर किया जा रहा है, ये सारे के सारे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है, कोई प्रोवर्ब है, ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में आमतौर पर आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है इस एम आर के साथ आई एन जी वाली फॉर्म होती है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है? इज एम और आर, इनके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी वाली लगानी होती है। अच्छा, ये इनमें प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी एस लगा होता है या कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा होता है। यही सेंटेंस जब नेगेटिव बनते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हो तो नेगेटिव करते वक्त डज नॉट कर देते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ये जो है मतलब प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन अगर सिंगुलर हैं आई वी और बाकी जितने भी प्लूरल प्रोनाउन हैं जैसे कि दे वगैरह, उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। बाकी जितने भी सिंगुलर हैं आई के अलावा ही शी इट वगैरह, उनके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। अच्छा, इसकी बात हो रही थी इसको कैसे पहचानेंगे? आमतौर पर फिक्रों के एंड पे या कहीं एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, इस तरह के अल्फाज आते हैं, या कभी कभार नाउ के वर्ड भी आते हैं। इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस टेंस को ज़ाहिर करते हैं। इन सब बातों को जहन में रखते हुए अब आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो सबसे पहले देखें, यू नॉट लाइक चॉकलेट, इसका मतलब ये उसकी आदत को ज़ाहिर कर रहा है। आदत के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। तो आपको पता है आई वी यू और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगता है, और ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ डज नॉट लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। उसके बाद शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट, तो आगे ना एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इसका मतलब है ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या करना है? इस एम आर के साथ आपने आई एन जी लगाना है। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का भी इजाफा करेंगे। शी इज़ नॉट स्टडिंग, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। उसके बाद नंबर थ्री है दे नॉट ईट एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, ये इसका मतलब ये भी किसी की आदत और मामूल को ज़ाहिर करें कि वो रोज़ाना चावल नहीं खाते हैं, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है। देखना तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और देख साथ जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। उसके बाद वी नॉट वर्क नाउ, नाउ आ गया, नाउ कौन सा टेंस है? कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो इसलिए वी आर नॉट वर्किंग नाउ। उसके बाद इट रेन अलॉट हेयर, यहाँ पर कसरत के साथ बारिश होती है, इसका मज़ाहरे कुदरत या रूटीन या किसी इलाके की खास स्पेसिफिक क्लाइमेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। इट रेन्स अलॉट हेयर। और नंबर सिक्स है आई गो ऑन हॉलीडे टुमारो, अच्छा टुमारो आ जाएगा, ये फ्यूचर टेंस को ज़ाहिर करता है। और फ्यूचर टेंस को क्या होता है? इज एम आर सॉरी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर तो दिया हुआ है इन द प्रेजेंट डेफिनेट या कॉन्टीन्यूस, तो फिर यहाँ पर विल शैल का इस्तेमाल कैसे आएगा? एक तो सिंपल आएगा आई शैल गो ऑन हॉलीडे टुमारो, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि ये जो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है ना, इसको हम बेसिक वर्ब के साथ इस एम आर के आई एन जी वाली फॉर्म लगा के हम फ्यूचर सेंस भी दे सकते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाता है ना कि कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला जा रहा है, तो ये देखिए कल की बात, आने वाले कल की बात है, ये तो फ्यूचर है, लेकिन खेला जा रहा है, कॉन्टिन्यू शो किया जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर भी हम इज एम आर के साथ आई एन ई वाली फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, वेरी सिंपल, इज एम आर के साथ आई एन ई वाली फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को अपने फॉलोइंग पंक्चुएट करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर, कहाँ पर फुल स्टॉप वगैरह वगैरह आना है। ये क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट ईयर में है,
ठीक है, टेंथ में या नाइन्थ में ये क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। और अगर आपने करना भी है तो ये पीछे आप यूनिट में उसकी टेक्स्ट देकर कर सकते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन जो है ट्राई अगेन जो पोएम है वो अगले यूनिट में अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।